वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यदि बी का सबसेट ए में हो, पहले वाले पॉइंट में यदि बी का सबसेट ए में हो किंतु बी जो है ए के बराबर ना हो, यानी कि बी जो हो ए के नॉट इक्वल हो, तो बी जो है ए का एक उचित उपसमुच्चय होता है। इस कंडीशन में बी जो है ए का एक उचित उपसमुच्चय होता है, इसे हम बी सबसेट ए लिखा जाता है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ए वाले सेट में ए कामा बी कामा सी है और बी वाले सेट में ए कामा बी है। तो ऐसी कंडीशन में ए वाले सेट में अवयवों यानी कि इनके सदस्यों की संख्या जो है वो तीन है, बी वाले में सदस्यों की संख्या दो है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले दोनों सेट में बी वाले सेट में सदस्यों की संख्या दो है और ए वाले सेट में सदस्यों की संख्या तीन है। तो ये बी इज नॉट इक्वल टू ए के हुआ। तो यानी कि ये दिखा रहा है कि इनके सदस्यों की संख्या ए वाले में तीन है, बी वाले में दो है। तो ऐसी कंडीशन में बी जो हुआ वो ए का सबसेट हुआ, यानी कि बी का जो अवयव है वो ए में है। तो इसे हम बी सबसेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सेट को हम एक उचित उपसमुच्चय होता है, इस कंडीशन में उचित उपसमुच्चय होता है। अब अगर हम इसी को कह सकते हैं ए जो है वो बी का सुपरसेट है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए जो है बी का सुपरसेट हुआ। जब बी जो है ए का सबसेट हो सकता है तो ए जो हुआ बी का सुपरसेट हुआ। इस वाले सिंबल को हम सुपरसेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अधिस समुच्चय। यदि बी जो है सबसेट ए, बी का जो बी के जो अवयव है वो ए में है, तो इसे हम कह सकते हैं बी का सबसेट ए में हो। अगर बी का सबसेट ए में है और बी इज इक्वल टू ए, यानी कि बी जो है वो ए के बराबर है, तो बी जो हुआ ए का उपसमुच्चय तो है क्योंकि उसके सारे अल्फाबेट ए में आ रहे हैं, तो उसको हम उपसमुच्चय तो कह रहे हैं, किंतु उचित उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो ए के बराबर है, यानी कि इनके सदस्यों की संख्या आपस में सेम है। तो इसे हम जब उचित उपसमुच्चय नहीं होता है तो इस कंडीशन में बी का जो सबसेट ए में तो है, बी वाला जो सेट है, बी वाले सेट में सारे अवयव जो हैं वो ए वाले सेट में है, तो लेकिन ये उचित उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बराबर होने की कंडीशन में यहाँ पे नीचे एक लाइन दे देते हैं, तो सबसेट के नीचे हम एक अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये हो जाता है बी ए का उचित उपसमुच्चय नहीं है। इस वाले में बी जो है वो ए का उचित समुच्चय है और इस वाले में बी जो है ए का उचित समुच्चय नहीं है क्योंकि इनके अवयवों की संख्या सेम है। इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ए में 1, 2, 3, 4, 5 है, बी में भी 1, 2, 3, 4, 5 है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों का सेट दोनों सेम टू सेम है। बी जो है ए के बराबर कहें या ए जो है बी के बराबर कहें, बी का सबसेट ए में है लेकिन ये उचित उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सबसेट के नीचे एक अंडरलाइन दे देते हैं, तो वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वल है इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ वाले पहले वाले पॉइंट में नॉट इक्वल है, तो इसमें नॉट इक्वल रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे बी का जो सबसेट ए में है यहाँ पे इक्वल का सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बी का सबसेट ए में है लेकिन इक्वल भी है, तो ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, बी का सबसेट ए में है तो ए का सबसेट बी में भी तो हुआ, तो ए का सबसेट बी में हुआ, तो इसे भी हम ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन इसको हम सुपरसेट में कैसे दिखाएंगे? सुपरसेट में भी ऐसे दिखा सकते हैं,
ये हुआ, ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ये भी एक, ये एक अधि, ये जो है अधिसमुच्चय, एक उचित अधिसमुच्चय नहीं होगा। जब उचित उपसमुच्चय नहीं है तो उचित अधिसमुच्चय नहीं होगा, मतलब उचित उपस, उचित इसमें उचित उपसमुच्चय नहीं है तो उसमें अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो ये एक उचित अधिसमुच्चय नहीं है इस कंडीशन में। अगर दोनों की संख्या, दोनों सेट की संख्या अगर सेम होगी तो वो ना तो वो उचित उपसमुच्चय होगा ना ही वो अधि उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे सेट से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। जब a माइनस बी होता है तो इसको हम a माइनस ए इंटरसेक्शन b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब b माइनस ए अगर हमें निकालना हो तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b कर सकते हैं। a यूनियन b को हम क्या कह सकते हैं, a यूनियन b किस कंडीशन में होता है, x सच दैट x की जो x के सारे x जो है x के जो अवयव हैं वो a में हैं, या x के अवयव b में होंगे। यूनियन की कंडीशन में x के अवयव या तो a में होगा या तो b में होगा, a इंटरसेक्शन b में। x सच दैट x के अवयव a में भी होगा तथा b में भी होगा, तो दोनों में कॉमन होगा a माइनस बी। x सच दैट x, x का अवयव a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, नॉट इक्वल है, नॉट एप्साइलम है, मतलब इसे a x एप्साइलम a और x एप्साइलम नॉट b में नहीं है। b माइनस a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x का जो एप्साइलम b में है लेकिन x का एप्साइलम a में नहीं है इस कंडीशन में। जब हम समष्टि समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो उसको हम किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लें तो उसको हम समष्टि समुच्चय से ही घटाएंगे। तो हमने क्या किया, इस समष्टि समुच्चय से u घटा दिया तो हमें क्या मिला, u में से u हटा तो आपको क्या मिला, नल सेट मिला, एम्प्टी सेट मिला, यानी कि रिक्त समुच्चय मिला। फाई डैश, इसे रिक्त समुच्चय अगर मैं निकालना हो, रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो समष्टि समुच्चय में से रिक्त समुच्चय घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, समष्टि समुच्चय ही मिलेगा, तो एक समष्टि समुच्चय आपको प्राप्त होगा। तो ये सेट से रिलेटेड कुछ रूल्स थे, जिनसे इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो इस रूल्स को फॉलो करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।